जिनसे लिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने आजकल का अवस्था बोलेगा तो एक प्रकार प्रतिकूल बोलेगा लेकिन अनुकूल अवस्था है ना। अभी हमारे लिए प्रतिकूल बोलना इसके लिए ये बहुत वो शब्द गलत रहेगा क्योंकि अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है ना, अभी माइनस डिग्री में पहुंचा हुआ है और वहां पर लाइट नहीं गैस नहीं है। मतलब एक प्रकार बोलेगा तो उनका अवस्था क्या रहेगा है ना। इतना तड़प में भी वो लोग मानव जी रहा है और भक्ति कर रहे हैं। आप देखिए अभी हमें इधर ही कोई माइनस डिग्री में तो है नहीं है, मतलब एकदम ऐसी है इतना अनुकूल परिस्थिति है। इसके बावजूद भी हमें प्रभु का साथ आभार नहीं है तो कैसे होगा। प्रभु का प्रति एक ज्वलन मन चाहिए, उत्साह एक बहुत बड़ा धन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो जीवन में अनेक बात अनुकूल आएंगे तब भक्ति करेगा ऐसा विचार है तो वो एक भक्त है ही नहीं है ना। तो हमको हर अवस्था में है ना हम प्रभु का भय मान करके रहना। अभी मानो जो भी परीक्षा आता है वो परीक्षा वास्तव में हमारा आशीष और प्रभु का महिमा के लिए और हमारे द्वारा बहुतों की आशीष के लिए। पिछले दिन में मैं आपको विजिटिंग में बताया, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहूंगा तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोग इस प्रार्थना सभा में दो भाग से भजन पढ़ना चाहता हूँ। एक लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 5 से 13 तक का भजन पढ़ेंगे। लूका 11 अध्याय उसका 5 से 13। तब उसने उसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसने उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो उसके साथ मत्ती के सुसमाचार का 7 अध्याय उसका 7 से 11 तक का वचन भी पढ़िएगा। जाएगा ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम्हें से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। देखिए यहाँ पर प्रार्थना का एक अच्छा मतलब व्यवस्था प्रभु ने यहाँ पर हमें बताता है समझाता है। प्रियो ये हम लोग कई बार है ना हम हरेक पवित्र लोग प्रार्थना करता है लेकिन कहां तक उसका उत्तर पाता है। पिछले हफ्ते में भी हमने कई बातें देखा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना का स्वभाव कैसा है, हम कैसे प्रार्थना करते हैं है? एक खास काम आप बात देखना, मतलब अकेला है तो वो बात अलग है, अगर और एक जन के साथ मिलकर के है तो वहां पर भी एक व्यवस्था क्लियर दिया है ना। अकेला में फर्क है, दो जन मिलकर के है तो वहां पर भी फर्क है। वो फर्क खास क्या है जब मत्ती 18 अध्याय 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। क्या है प्रियो, एक मन होकर के। देखो अगर ये भी अभी हम लोग प्रार्थना करता है तो उसमें एक मन होना चाहिए है ना। मुझे ऐसा लगता है कई बार हम लोग आकर में मत्ती से प्रार्थना के लिए जो बताता है शायद कभी कभी कोई दिल में मतलब कुड़कुड़ाया होगा, अरे हमारा झुंड में ये भी आ गया। ऐसा सोचा है तो आपका उस प्रार्थना में कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ मेल नहीं है। एक मन होना है
मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र लोग कभी भी हम एक दूसरे के प्रति कुछ भी नफरत कड़वाहट दिल में नहीं रखना, कुछ भी हो हमें सहनना है, हम सहनने से प्रभु का महिमा होता है और वास्तव में हम जल्दी मसीह का रूप बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा कुछ प्रतिकूल आता है तो वो भी अचानक नहीं आया, हमें और भी नम्र बनाने के लिए, कोई भी किसी के द्वारा भी अपने जीवन में आने वाला तो जो भी नुकसान की बात है वो हमारा भलाई और प्रभु का महिमा है। अभी इस विषय में है ना, जब पिछले दिन में जब मैं ध्यान कर रहा था, मेरा ही एक अनुभव प्रभु ने मुझे समझाया, क्योंकि जब मैं मोसाम्बिक से मुझे वो लोग वापस भेजा तब मेरे दिल में आया, अरे मैंने क्या गुनाह किया, मैं तो सिर्फ प्रभु का गवाही दिया है, तो वो लोग आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन मांग करके मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने बोला प्रभु मैंने कौन सा गुनाह किया, ऐसा एक छोटा सवाल मेरे अंदर आया था, मतलब क्यों मुझे, मैंने क्या गलती किया, नहीं समझा। लेकिन प्रभु मुझे बता रहा था कि उस समय में तो सोचा था ना, लेकिन मैंने तेरे लिए इतना अच्छा काम किया और मेरे महिमा हुआ कि नहीं। देखो अगर मैं उस समय में भेजा नहीं जाता तो मैं किसी कारण भी देवडाली में नहीं आता, नासिकी में नहीं आता, क्योंकि वो यूनिट आने के बाद में उनको फिर जम्मू भेजा गया, मैं उनके साथ रहता, लेकिन मुझे वहां से निकाला प्रभु ने, देखा निकाल के भेज करके एक अलग जगह पर भेजा और उधर जाके प्रभु का काम करना था। अब देखो ना प्रियो, प्रभु का हम लोग है ना, ये सब लोग नहीं समझ सकता, जरूर हमारे जीवन में हम लोग नहीं चाहता होगा, नहीं सोचता होगा, ऐसा कुछ बातें हमारे जीवन में आता है, पर तो वो भी भलाई के लिए, हमारे जीवन में आने वाला अनेक बात भलाई के लिए, उस समय भी हमको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन बात प्रभु भलाई में बदलेगा। प्रभु का वचन सच है प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हरेक बात सच है, पर तो हम लोग कई बात हमारा समझ के सहारा लेने के कारण हम लोग ठोकर खाता है। लेकिन आज जब भी आप कभी भी है ना प्रभु को गुस्से में बैठ करके आपका जीवन को पीछे मुड़ कर देखो, एक एक इंसान जो आया है वो सब वास्तव में प्रभु का महिमा का कारण बना। अब थोड़ा आत्मा में उन बातों को जानेगा तो प्रभु आपको बराबर और रूट का भेद समझाएगा, है ना। अपने जीवन में फालतू में कोई बात नहीं होता, सब बातों के पीछे प्रभु का योजना है। तो इसलिए यहां पर प्रभु का एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम जब मैंने प्रभु की उपस्थिति में आया, हम लोग किसी कारण भी किसी के साथ भी मिलकर के प्रार्थना करने के लिए कुछ भी बात एक वादा नहीं होना चाहिए। प्रभु के उपस्थिति में हमें ये बात को बोलने के लिए याद आना चाहिए, नहीं यार वो उस समय में मेरा उनके साथ ये हुआ था, नहीं तो उसने मेरे बारे में वो बोला था, इसलिए मैं उसके साथ मिलकर प्रार्थना करना ही नहीं चाहता, ऐसे नहीं। हम लोग प्रभु में आया हुआ खास करके मंडली जीवन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी के साथ भी हमारे दिल में थोड़ा भी नफरत कलवट रहेगा ना, सबसे बड़ा दुख प्रभु को है, क्योंकि हम प्रभु की योजना से बाहर जा रहे हैं। आप देख रहे हम प्रभु की योजना से बाहर जा रहे हैं, ये सिर्फ मंडली में नहीं घर में भी है, मंडली में नहीं घर में भी है, हमें एक दूसरे के साथ मतलब एक से आधे के लोग जहां पर भी रहता है वहां पर घर में भी किसी कारण भी अपने घर के लोगों से हमारे दिल में ऐसे कुछ बात विचार तक आने नहीं देना, और ऐसे कोई बात आता है तो उसको मारना, रोज मारना ना, वो एक्सपीरियंस इसी दिन में मारा, हाँ मैं कल भी मरा था, मतलब हाँ कई बात क्योंकि है ना, हमारे प्रभु का हमारे यीशु मसीह का जिसने हमको प्यार करके हमारे लिए अपने आखिरी बूंद लहू तक बहाया, वो प्रभु का सबसे एक बड़ा दिल की उमंग, दिल की बहुत बड़ी इच्छा पवित्र लोगों के प्रति क्या मालूम है, वो पिता के साथ प्रार्थना में बोला वो शब्द कभी भूलना नहीं, है ना, योहन्ना उसका 17 अध्याय का 11 वचन की आखिरी बात, और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करके हमारे समान एक हो, आमीन, है हमारे समान एक हो, हमारे समान एक हो, हाँ थोड़ा मतलब खोल करके बोलना, हमारा समान एक हो, हमारे समान एक हो, मतलब यीशु मसीह की इच्छा क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर जैसे एक है
वैसे हम भी प्रभु की चुने हुए लोग एक बनना है ना, उस एक ही सोचा कि वे सब एक हो, वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। देखा मानो वे सब एक हो ना, एक परमेश्वर की एकता में हम लोग भी आना, उसका 23 वचन, मैं उनमें और तू मुझ में की वैसे होकर एक हो जाए, एक हो जाए। देखा प्रियो, अभी कोई भी बात है ना, हमेशा हम लोग प्रभु में संतुष्ट रहना, आनंदित रहना, प्रभु का भय मानने वाला दिल हमेशा चाहिए। ए, मैं आप लोगों को कई बार बताया, हर रोज कम से कम प्रभु में मतलब उस ज्ञान में बढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात है निधि वचन का किताब है ना। निधि वचन का किताब आज कोई पढ़ा, आज के दिन का नहीं पढ़ा, क्योंकि क्योंकि आप लोगों को बात मानने में इतना उलझा ही है, सुना हुआ बात भी भूल गया होगा, इसलिए पढ़ने की जरूरत क्या। आपको मालूम है जब उसका 19 अध्याय का 23 वचन में क्या लिखा, नीरी वजह जीवन बढ़ता है, खत्म हो गया, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। देखो पूरा पढ़ना है, देखिए और क्यों पढ़ना, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। क्या अच्छा है कि नहीं, यहोवा की भय मानने से टोन के पीने से बढ़कर विटामिन टैबलेट खाने से बढ़कर जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है। और आगे, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। देखा बोलने का अर्थ क्या है, वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहेगा, वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहेगा। इसलिए प्रेक्षित बोलो से बोले ना, मैं आरावस्था में संतुष्ट रहना सिखा है, मैं तृप्त रहता हूँ, मैं संतुष्ट रहता हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ हर अवस्था में। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, जो व्यक्ति में प्रभु का भय है, प्रियो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में कई बार कई बातों में थोड़ा थोड़ा जल्दी फील करने वाला अनुभव हो सकता है, जल्दी वो फीलिंग हमें नाराजगी पर में ले जाएगा। नो, उसमें भी मरना है, उसमें भी हमें मरना। क्यों क्यों मरना है? क्योंकि मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, मुझे मसीह के जैसा बनना है। मेरा मुझे बुलाने वाला, मुझे अलग किया हुआ महान प्रभु का मेरे प्रति महान उद्देश्य। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा भी प्रभु के वचन को अगर हम हमारे दिल को छू लेता है तो बहुत बड़ा काम होगा। अभी हमारा जीवन में हम एक मन होने का काम तक कौन करता? प्रभु ही करता। बोलने का अर्थ क्या है, जिस व्यक्ति में प्रभु के आत्मा का प्रभाव कार्य चलता है वो व्यक्ति में प्रभु करता है। अगर आप मानव दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय का 12 वचन पढ़ेगा तो दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय उसका 12 वचन, यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर, देखा एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। लेकिन वहां पर एक शब्द शायद नहीं आया, प्रभु का हाथ उनके साथ अनुकूल रहा। यहूदा में परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई, ऐसी शक्ति हुआ लिखा, लेकिन मराठी में कैसे लिखा, हाथ आया नीचे दिया है। देखा हाथ आया वो आना चाहिए नीचे। देखिए वास्तव में प्रभु का हाथ उनके साथ रहा, इसलिए उन लोग एक मन हुआ। बात समझ में आया, एक मन होने के लिए कौन काम करना चाहिए, प्रभु का हाथ। प्रभु का हाथ हमारा अनुकूल है क्या, ये भी एक बड़ी बात है ना। जो हम प्रभु का मार्ग को छोड़ देगा तो फिर प्रभु का हाथ उसका प्रतिकूल रहेगा, उसका एक व्यवस्था है। प्रभु का हाथ अनुकूल है तो हर बात में हम विजयी रहेगा, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का हाथ अनुकूल रहेगा तो हमारे में कभी भी फूट फिंदा आएगा ही नहीं। देखा इसका मतलब, एक व्यक्ति फूट डालता है इसका मतलब वो व्यक्ति के साथ प्रभु का हाथ प्रतिकूल है, ये एक बड़ा चिन्ह है। समझ में आ रहा है, बहुत गहरे से समझना, क्योंकि आपको मालूम है जब नहमिया का किताब में अच्छा रीति में किसके साथ प्रभु का हाथ अनुकूल रहेगा
उसका एक सुंदर वर्णन है, सॉरी नहमिया नहीं, एस्रा ने लिखा, एस्रा, एस्रा आठ अध्याय का 22 वचन का शुरुआत में लिखा है, एस्रा आठ अध्याय 22 वचन। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कर चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब फौजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध होता है। देखिए वहां पर भी हाथ है, मतलब आप लोगों का परिभाषा है, मतलब देवाजा वाटेनी शत्रूं पासून आमचा बचाव होण्यासाठी राजाकडे शिपाई व घोडेस्वार यांची टोळी मागून येण्याची मला लाज वाटली, कारण आम्ही राजाला असे बोलून चुकलो होतो की आमच्या देवाला शरण आलेले सर्वांवर त्याचा वरदस्त हात, उसका वरदस्त हात, देखा हात उसका अनुकूल देता। बहुत बड़ी बात है, किसके अनुकूल देता? जो प्रभु की खोज में रहता, किसका? जो प्रभु की खोज में रहता। ये देखो एक एक वचनों को ठीक से अगर हम आत्मा में प्रकाशन मिलेगा तो उसके अनुसार कदम बढ़ाएगा तो प्रियो ये छोटा सा जीवन में हमारा अनंत जीवन का, अनंत काल का जीवन का तैयारी में बहुत प्रोग्रेस रहेगा। प्रभु का हाथ आज हमारा अनुकूल है क्या? अरे बात बहुत लोगों को प्रभु का हाथ का बहुत नहीं मानो, एक एक शब्दों में बाइबल में है ना बहुत गहरा अर्थ है उसका। मैं वो बात भी आपको तो शॉर्ट में मतलब इतना वर्णन करने के लिए टाइम नहीं, प्रभु का हाथ का मौत है ना, वो प्रभु का हाथ कैसे काम करता है, वो हाथ हमारे लिए कितना हमारे जरूरी है, हाथ अनुकूल रहना, ये बात के बारे में थोड़ा आठ दस बात बताऊंगा, लेकिन बहुत गौरव का बात है, आप लोगों ने जल्दी जल्दी मतलब नोट करना, क्योंकि धीरे जाने के लिए और उसका वर्णन करने के लिए टाइम नहीं। ओके माने उसके हाथ का बात क्या मालूम है, निर्गमन की किताब, मतलब शुरू से बहुत बात है लेकिन मैं खास बात बता रहा हूँ, निर्गमन उसका 15:06 पढ़ना। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ, और दुश्मन को तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता। देखा तेरा दाहिना हाथ, देखा बात उड़ा उड़ा के बोलते, तेरा दाहिना हाथ क्या करता, शत्रु को चकना चोर कर देता। देखो अभी मानव इसराइल के लोग अपने अनुभव में ये गा रहा है, अनुभव में गा रहा है, क्योंकि उसका विरोधी कोई कमजोर नहीं था, उस समय का बहुत शक्तिमान भरो उनका सेना था, लेकिन उनको सबको नाल सागर में डुबा कर खत्म कर दिया। किसका सामर्थ? इसराइल का सामर्थ नहीं है ना, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का हाथ उनके लिए काम किया। वो कैसा नहीं बोलेगा प्रियो, है ना, जिसने अनुभव पाया वो प्रभु का हाथ का महत्व तो कैसा वर्णन नहीं करेगा, बोलना चाहिए ना, हम लोग बोलना चाहिए ना, हम लोग उस हाथ को बहुत गहराई में अनुभव रोज करता है, रोज करता है, रोज। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जब तक एक बात का जानकारी नहीं होगा तो फिर उतना महिमा नहीं होगा, है ना, जानकारी होना, इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रकाश दे रहा हूं। अभी इसराइल के लोगों ने अपने परमेश्वर का हाथ का बल, उसका सामर्थ्य देखा, है ना, और विरोधी को कैसा मतलब चकनाचूर कर दिया, खत्म कर दिया, अभी वो फिर उठकर आएगा ही नहीं है, सबको कितना बड़ी बात है हमारे प्रभु का हाथ का सामर्थ्य कितना है। दूसरी बात मतलब उस हाथ में क्या है ना, जब अनुवाद व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का दूसरा वचन, अनुवाद या व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का दूसरा वचन, यहोवा सीने से आया और सेन से उनके लिए उदय हुआ, उसने पारण पर्वत पर से अपना तेज दिखाया, लाखों पवित्रों के मध्य में से आया, उसके दाहिने हाथ में उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। ठीक है, उनके हाथ में क्या है? ज्वालामय विधियां, या प्रभु का सुंदर वचन, हो क्या बात है प्रियो, हमें भी रोज उसके हाथ से वो वचन पाना है, बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमें इतना ज्वालामय विधियों को लेकर के हमको देने के लिए आता है, उसके हाथ से हमें पाना है प्रियो, उसके हाथ में हमारे लिए प्रभु का नियम का वचन है, प्रभु का वचन है, उसको हमें प्राप्त करना, ओ ये भक्त का एक बड़ा कर्तव्य है, इसलिए रोज हमें सबेरे प्रभु का इंतजार में रहना चाहिए, प्रभु अपने हाथ में वो व्यवस्था लेकर के हमें उधार बांटने के लिए आता है ना, जैसे हम ट्रैक्टर बांटते हैं ना, ऐसे प्रभु भक्तों को अपना वजन दे देता है,
कितना सुंदर बात है। तीसरी बात, अभी ज्यादा बोलने के लिए टाइम नहीं, उसका माना भजन संगीता उसका 138 का सात वचन पढ़ना, भजन संगीता 138 का सात। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। क्या बात है, प्रभु अपनी उस हाथ की सामर्थ से मुझे मेरी खिलाफ में आने वाला भयंकर शत्रुओं से भी छुड़ाएगा। देखा, भक्त को उसके लिए काम करने वाला वो हाथ का अनुभव उनको है, है? कितनी बार प्रभु ने हमें छुड़ाया प्रियो, है कितनी रीति में, कितनी प्रकार प्रभु ने हमें छुड़ाया। हाँ प्रियो, प्रभु भक्तों को छुड़ाता है, है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब अगर दानियल को पूछेगा तो कितना सिंह था, है उनके बीच में दानियल गया तो एक भी थोड़ा हानि उठाया नहीं, मूवी नहीं खोल सका, पाव में भी मतलब नहीं मार सका। देखो ना कैसा प्रभु का हाथ का सामर्थ्य, देखो कितना भी भयानक अवस्था क्यों ना हो वहां से प्रभु बचाता है। ऐसा शब्द वाला पढ़ने के समय में जिसको अनुभव है ना उनका दिल टूट करके वो प्रभु को धन्यवाद देता है, क्योंकि प्रभु के लोगों को ऐसा हजारों अनुभव है प्रियो। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, मतलब दिल से अभी ये शब्दों को जब पढ़ता है ना मेरा दिल बहुत टूटता है। वास्तव में प्रभु ने कितनी प्रकार मतलब ऐसा भयानक रीति में आने वाला शत्रुओं से प्रभु ने हमको छुड़ाया, क्योंकि हम कूद में बिज नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है वो अवस्था आज हर एक प्रभु का लोगों का है, क्योंकि भेड़ियों के बीच में भेड़ है, एक भी भेड़ी आएगा तो वो भेड़ सामना कर सकता है नहीं, तो भेड़ियों है तो बहुत है, उसके बीच में हम लोग है, हमको कौन बचाता, ये हाथ प्रभु का हाथ हमको बचाता रोज बचाता है। अगर आप थोड़ा सा रुक करके सोचेगा तो आपको मालूम पड़ेगा प्रभु ने आज भी कितना अद्भुत रीति में मुझे बचाया। चौथी बात मैं आपको बोला 45 भजन संगीता का चार भजन, 45 का चार। सत्य सत्य नम्रता, तेरा दाहिना हाथ मुझे भयंकर काम सिखाए। देखा, प्रभु का हाथ क्या करता है, हमें सिखाता है, हमें उपदेश देता है। प्रियो, प्रभु से रोज उपदेश पाना, प्रभु की आलोचना पाना, उसके लिए हमें उत्साही होना। प्रभु का हाथ हमें सिखाता है, प्रभु कैसे कैसे मार्ग में होकर के हमें सिखाता है। प्रियो, इन सारे बातों के पीछे प्रभु का हाथ है, ये प्रभु का हाथ है, प्रभु का हाथ हमें सिखाता है। सीखता है क्या, एक एक इंसिडेंट के पीछे प्रभु का हाथ है और वो हमें एक नया सबक सिखाता है, है ना। ये अनुभव भक्तों के जीवन का है ना। और पांचवा बात उसका 48 का भजन संगीता 48 का 10। हे परमेश्वर, तेरे नाम की योग्य, तेरी स्तुति पृथ्वी पर की छोर तक होती है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है। देखा, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है, धर्म से भरा हुआ है। प्रियो, उसके हाथ में से कोई बुराई नहीं होता, वो हमेशा जो करता है वो धर्म से काम करता, हमेशा वो धर्म से, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, उनका कामों में कोई अन्याय नहीं बोल सकता। वो उसका दाहिने हाथ में धर्म से भरा हुआ है, बोले तो अपनी भरों को भक्तों को उस धर्म की काम मार्ग में ले चलना प्रभु काम है। और छठवा बात 118 का 16 वचन, 118 का उसका हाथ का महत्व है, तो मतलब अलका रीति में वो भी जानकारी हमारे लिए कितना यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। देखा, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम की काम होता है। देखो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु का दाहिने हाथ से पराक्रम की काम होता है। एक ही रात को हम लोग देखता है असुर का 185 जवानों को योद्धाओं को मार डालने वाला हाथ है। आप देखो,
पितरा पराक्रमी हाते प्रियो, वो आपका सामर्थ्य कौन वर्णन कर सकता है ना। वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। जब 37 भजन संगीता का 24 भजन, देखा बोले का अर्थ क्या है प्रियो, हमें गिरने पर भी प्रभु का हाथ संभालता है, है? प्रभु का हाथ वहां पर है। ओ, एक कितना अनमोल बात है, प्रभु हमको ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने देता, बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं कई बार मानो स्कूटर में भी जब गिरा ना, मुझे ऐसे रह रहा था कोई हाथ नीचे है, मैं पानी में तैर रहा ऐसा जमीन पर जा रहा है, लेकिन देखता है तो कुछ नहीं हुआ, कोई हड्डी टूटा नहीं था, क्यों है? इसके नीचे प्रभु का हाथ था। ओ, मैं उड़ करके प्रभु को तुरंत महिमा किया, प्रभु इतना तेजी से गिर करके मतलब जमीन पर मैं मतलब कम से कम 8-10 फीट ऐसे गया, इसको मतलब कितना प्रभु ने संभाला, कितना भयंकर बात होना चाहिए, देखने वाले चकित होने वाले बात है ना, ये बात सच्ची बात है। प्रभु हमें संभालता है, प्रभु का हाथ हमारे गिरने से हमें बचा करके संभालता है, हमें कोई ऐसे चोट नहीं होने देता। हमारे प्रभु का वचन कितना सत्य है प्रियो, ये हाथ को इसलिए ऐसे बात पढ़ने के समय में हमारा दिल भर करके आंख से आंसू आता है, क्योंकि प्रभु ने हमें कैसे कैसे बचा करके यहां तक लाया। और आठवीं बात है निधि वचन, उसका तीसरा अध्याय का 16 वचन पढ़ रहा, बड़ी बात है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बस 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 और क्या चाहिए, हर एक लोग दीर्घायु चाहता है, किसके हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। इसका मतलब क्या है प्रियो, प्रभु के हाथ में रहने वालों को प्रभु दीर्घायु देगा, है? क्योंकि उसके हाथ की बात है, वो प्रभु की ओर से हमें मिलता है, इसके मतलब में प्रभु के हाथ में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसको दीर्घायु है। आज भक्त लोग और कहां मरे प्रियो, हमें प्रभु ने दीर्घायु दिया ना, अनंत जीवन दिया ना, वो प्रभु की ओर से हमें मिला है ना। अभी आप एक अनोखा भजन है, आप ध्यान से पढ़ना, जब नौवा बात, जब भजन संहिता 44 का तीसरा भजन, क्योंकि बेना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, और ना अपने बहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरे भुज और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन में विजय जीवन प्रदान करने वाला हाथ है, क्या है, विजय जीवन प्रदान करने वाला हाथ। प्रियो ये कितना अनमोल बात है, हमें विजय मिलता है तो वो प्रभु के हाथ का काम है। आज हम सबको मालूम है प्रभु में जो जीवन बिताने वाले लोगों को, जब रोमियों 8 अध्याय का 37 वचन आपको याद होगा, है हमारे जीवन में मानो ये हाथ क्या करता है, सब बातों में हम उसके द्वारा, देखा हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन सारे बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है, देखो हमें जय देता, इतने ही नहीं जयवन से भी बढ़कर, जयवन से भी बढ़कर है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बात सुनने के टाइम पर मुझे एक भाई ने बताया हुआ एक बात याद आता है ना, बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में एक आदमी बॉलम विजय पाया, उसको मुकुट मिला, उसको मुकुट मिला, तो वो मुकुट मिलने के टाइम पर वो क्या किया, वो बहुत खुशी से वहां पर स्टेज में बैठा हुआ अपनी पत्नी की सिर पर रखा, है वो बहुत खुश हो गया। अभी उसको बोलता है जयवंत से बिड़कर, जय कौन पाया, वो बॉक्सर पदी नहीं, परंतु अभी जयवंत से बिड़कर कौन हो गया, क्योंकि वो मुकुट उसके सिर पर आया। देखा अभी हमारे यीशु मसीह विजय पाया, और यीशु मसीह ने पाया वो विजय किसको दिया, मंडली को दिया, हम जयवन से बिड़कर रहे, अरे बिड़कर रहे, बिड़कर रहे, ये उनसे भी बिड़कर। आज हम लोग जो अनुभव करता है वो विजय का महत्व हमें जानना चाहिए, वो आत्मा जब प्रकाशित करेगा तो
है ना, इसलिए ना ये भी जाएगा तो दुखी निराश होकर नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना, क्योंकि जब दूसरा कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन में क्या लिखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के समय दिए, मसीह में हफ्ता में एक बार संडे को आने के समय में खुशी से आता, ऐसा है क्या? नहीं है ना, नहीं ऐसे नहीं। अब वचन को ठीक से पढ़ो ना, बोला ठीक से जानो ना, ऐसे सुनो ठीक पढ़ा लेकिन जानो ना ठीक से, वापस पढ़ना है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। देखा, हम मसीह का सुगंध बनकर के जीवन बिताएगा तो हमें देखने वाले लोग बोलेगा हमको ये प्रभु चाहिए, क्योंकि हमेशा आप बहुत आनंदित रहता है, हम लोग ये दुखी रहता है, हमको भी आनंद पाना है, है? इसका भेद क्या है हमको बताओ, हमारे चारों तरफ रहने वाला दुखी और निराश रहता है कभी भी देखेगा तो मोरल डाउन, पर जो हमारा चेहरा कैसे है हमेशा चमकता है, आनंद से चमकता है, क्योंकि प्रभु हमें जय के उत्सव के साथ ले चलता, विजय पाया हुआ व्यक्ति कभी निराश रहता है नहीं, है ना, वो जय के उत्सव के साथ ले चलता है ना, ये बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारा विजय का रहस्य प्रभु का हाथ हमारा अनुकूल है, प्रभु हमें विजय देता है, प्रभु की ओर से हम विजयी लोग है, अभी कोई हारेगा क्या सोचने का ही बात नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा का विजय हमको दे दिया है, है? अभी हमें कभी भी कोई ऐसे सोच समझ करके नौकर करने की जरूरत नहीं, खास करके मंडली की अवस्था इससे बढ़कर के सुरक्षा का हमरे, मैं आपको बोलू दसवा बात क्या ना, अनमोल बात है, मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखा, हम काम रहे प्रभु के हाथ में, प्लीज लॉर्ड, कितने लोग आ रहे थे, लंबा श्वास ले क्या हमें ऐसे क्या नहीं, फायर है फायर, प्लीज लॉर्ड, ठंडी ठंडी फायर को कब्जा करता है ऐसे क्या नहीं है ना प्रियो, हमारे जीवन में हमारे प्रभु कितना अच्छा है प्रियो, वो महान प्रभु का आपको मालूम है, मेरा प्रभु अपने हाथ में सातों महासागर का पानी लेता है तो भी हाथ मारता नहीं, प्रेज लॉर्ड, आप सोचो हमारे हाथ में क्या आएगा, ए, ए, एक छोटा ग्लास में भी लाएगा तो थोड़ा रात से भर जाकर बहने लगता, तो हमारा हमारे डैडी के हाथ में सातों महासार का पानी लाकर डालेगा ना, तो बोले अब लाओ, अभी आठवा है ही नहीं, फिर नदी और बाकी सबका उठा करके लेकर आएगा तभी भी नहीं भरता, इतना बड़ा वाह वाह वाह, ये वरिष्ठ बाढ़ को प्रभु अपने तराजू में तोड़ता है, वो तराजू कैसा तराजू है, सारे हिमालयन पहाड़ों को सारे पहाड़ों को प्रभु तराजू में, आप देखो इस आकाश विधान प्रभु ऐसे नापता है क्या, अंगुली रहेगा, प्रेज लॉर्ड, प्रियो ऐसा महान प्रभु, उसके हाथ में हमारे जीवन है, हम लोग उसके हाथ में है, ओ, ओ प्रभु गारंटी से बोलता है मेरे हाथ से ओ, सोच रहे का सवाल नहीं है ना, प्रभु के हाथ से कोई मुझे छीन ले जाए ऐसे कोई सोच रहे का, मतलब अब तो जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ एक बच्चा, कुत्ता आकर कुत्ता आएगा कुत्ता मुझे काटेगा, डरने की जरूरत है क्या, अरे उससे भी कितना करोड़ों बड़ी बात है प्रभु के हाथ में हमारे जीवन, आप देखो ना एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ बच्चे को मतलब कुत्ता नहीं काट सकता है, तो प्रियो प्रभु के हाथ में रहने वाला हमारा अवस्था क्या है उससे भी कितना करोड़ों बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है, हम लोग समझो ना, ये जो वजन हम जब पढ़ता है वो वजन का सच्चा प्रकाश हम लोग आत्मा में पाएगा ना, मैं आपको बोलता हूं आप इतना उसमें आप मगन देगा, आपको मिलने वाले आनंद का एक सीमा नहीं रहेगा, एक असीम आनंद से आपका दिल उमड़ने लगेगा, पर तो क्या होता है कि इन बातों को समझने लायक
हमारा हमारा आत्मिक दृष्टि खुला नहीं, हमारा मन को उसी प्रकार मानव उन्नति नहीं पाए, इसमें धोखा होता है, तो बहुत बड़ी बात है, हमें परखना चाहिए। न प्रभु का हाथ का बहुत बात है, मैंने उसमें से कहा सुन करके 10 बात आपको बताया। तो अभी मारा ये सारी बात अभी आपको मालूम है, प्रभु का हाथ हमारा अनुकूल में रहने के लिए चाहता है तो हमारी एक जिम्मेवारी, हमारी एक जिम्मेवारी है। वो क्या मालूम है ना, जब मत्ती के सुसमाज है उसका 6 अध्याय का 33 वचन, मत्ती उसका 6 अध्याय का 33 वचन, इसलिए देखो ये सारे बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये बात का अनुभव में अगर आपको जाना है तो क्या करना, पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। देखा, अगर इतना करेगा तो प्रभु का हाथ हमारे लिए काम करते रहेगा। बहुत बड़ी बात है भैया, आज आज का समय में आया हुआ एक बड़ा धोखा क्या है ना, लोग अपना समझने का सहारा लेकर प्रभु का वजन को पीछे भेज मतलब भेंग करके अपनी मनमानी में चलता। प्रियो, आपको जो आलोचना मिल रहा है इसको तुच्छ ना कर, इसको वो सीरियसली समझो, इस बातों को अपने जीवन में अमल करो। एक बात सच्चे प्रियो, प्रभु का वजन में कोई भी बात झूठ नहीं, उसमें लिखा हुआ अनेक बात सत्य ही है, वो आया हुआ वचन है। प्रियो, ये वजन पर संदेह ना करो, है ना, संदेह ना करो। हम प्रभु का खोज में सुबेरे से प्रभु का खोज करना, कैसे खोज करना, आग बदल के नहीं, सृष्टि में नहीं, ऐसे ठंडी ठंडी दो ठंडी, प्रभु को खोज में ठंडी नहीं होता, है ना, बहुत कैसे खोजना है प्रभु, वो भी व्यवस्था है। अरे जब जेरेमिया 29 अध्याय का 13 वचन, जेरेमिया 29 का 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे नहीं, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। वहां पर बोला हुआ शब्द आपको समझ में आया, कई भाषा में अच्छी तरह नहीं समझ में आता तो मैं अच्छी तरह आपको समझाता हूँ। संपूर्ण मन से जब प्रभु को ढूंढेगा वो प्रभु को पाएगा, कौन पाएगा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से प्रभु का खोज में लगा रहना भी है, कैसे तो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भी चलेगा, ऐसा नहीं, संपूर्ण मन से। प्रियो, हम लोग जब भी प्रभु का कोई भी काम करता है तो हम संपूर्ण मन से करना, संपूर्ण मन से करना। आज भी बहुत लोगों को प्रभु मिलता ही नहीं, प्रभु से भेंट करता ही नहीं, कितना दुखदायी बात है ना, प्रभु से मिला हुआ, प्रभु से भेंट किया हुआ, कितना दिन हो गया पूछेगा तो लोगों को साल याद नहीं आता। ऐसे कभी मिला था, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं होना प्रियो, हम प्रभु में आया हुआ हमारा कर्तव्य हमेशा प्रभु का ढूंढ में रहना, प्रभु का खोज में रहना, प्रभु की इच्छा में बना रहना, है ना। जो जो भी लोग उधार पाए उनका बारे में पड़ोसियों का पत्र 3 अध्याय का 2 वचन में क्या लिखा, पड़ोसियों 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा। देखा, हमारा मन कहाँ पर लगा ना, स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय बातों पर, हमारे प्रभु में। बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा बात है ही नहीं प्रियो। लेकिन बहुत दुख के साथ बताने वाले एक बात क्या है ना, कितना भी समझाओ लेकिन समझने वाला बहुत कम है और उसको अमल करने वाले लोग कम है। इसलिए प्रभु ने जब मत्ती 7:14 वचन में बोला, प्रभु ने पाने वाला तोड़ा है, कितना है, तोड़े है। देखा, इसे पाने वाला मतलब ये जीवन के मार्ग को पाने वाला तोड़े है। देखो प्रियो, आज मैं उस तोड़े लोगों में है कि नहीं, ये बात को परखना, मैं उस तोड़े लोगों में है कि नहीं, जो वास्तव में प्रभु का खोज में दिल लगा करके मन लगा करके रोज प्रभु को प्राप्त करते रहता हूं, उनमें से हम है तो बहुत धन्यवाद है। तो अभी प्रभु ने जो हमने जो शुरुआत में जो लूका और मत्ती से जो पढ़ा, वो प्रार्थना का विषय क्या आपको मालूम है, मतलब तुम प्रार्थना करते रहना, बोलेगा तो
कड़कड़ाते ही रहना, ढूंढते ही रहना। हमारे जीव में यहां पर का बहुत बड़ा विषय है, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो कड़कड़ाया उसके लिए बोला जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात है, हमारा प्रार्थना जीवन एक आधा छोटी सी बात करके खत्म नहीं करना। हमें जो भी विषय हम प्रभु के सामने लाता है तो वो पूर्ण रूप में पूरा होते हुए पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग प्रभु से बोला, बोल दिया, चलो बस अभी मतलब हो गया, उत्तर नहीं मिला, फिर भी झूठा तसली में चलते रहेगा, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में हमें इसलिए ना हमको लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है, लगातार। वहां पर शब्द का प्रयोग में आपको कई बार बताया, मांगते रहना। जैसे एग्जाम्पल बाइबल से ही, हम बाइबल के बाहर नहीं जाते, हर बात में बाइबल से है ना। एक सुंदर एक एग्जाम्पल है, मतलब विश्वासियों के पिता अब्राहम का प्रार्थना, विश्वासियों के पिता अब्राहम का प्रार्थना। हम लोग बहुत बार वो बात को ध्यान किया, आज एक अलग दिशा में। ओके, तो उसमें क्या देखता हम लोग, जब उत्पत्ति की ना उसका 18 अध्याय उसका 23-33 तक का वचन जल्दी पढ़ेगा। तो अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के सब धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? सब लोग ध्यान से सुनना है, मेरे को क्या है ना आपको भी बोलो, ऐसा कोई टाइम पास मेरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है अपने को, ये जो पाया हुआ सब ये टाइम के अंदर देना है। और मुझे मालूम है आप रेवंत करता है, प्रेज़ लॉर्ड, आप रेवंत करेगा, कुछ लोग नहीं करता होगा क्योंकि उनका उत्साह उतर ही है। आप जो भी रोज वजन पाता है प्रियो, रेवंत करना घर में भी जाकर के, क्योंकि सारे बात को विस्तार से बोलने जाइए तो मैं तो दो शब्द में पूरा एक घंटा मेरे पास हमारा एक कर देगा है, उसके अंदर 10 कहानी भी बोल देगा, प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। अभी ये देखो प्रार्थना कैसा है, अब्राहम को मालूम पड़ गया प्रभु ने उसको बजाया, क्योंकि मैं अपना मित्र को क्या बात छिपाऊ है, मैं कैसे नहीं बोलू। उसको पढ़ने से पहले उसका 17 वचन पढ़ना। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हाँ मैं अब्राहम से छिपा सकता हूँ? नो, अब्राहम मेरा मित्र है, नहीं तो फिर बोलेगा ना कल मिलने के लिए, अरे आप तो वो करने वाला था, मुझे तो नहीं बताया है, आप वो करने वाला था, जो भी है सो यार सो, मेरे को नहीं बोला ना, फिर कैसे मित्र है? मित्र है तो सब बोलेगा। हाँ यहां प्रभु बोलता है, मैं अब्राहम को कैसे छिपाऊं, ये मेरे मित्र है, मेरे मित्र है। तो अब्राहम को बोला, अब्राहम तुमको मालूम है मैं अभी कुछ करने जा रहा हूँ, क्या बोलो क्या करने जा रहा है? मैं ना सौदों को मोरों को नष्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि पाव बढ़ गया, बुराई बढ़ गया, अभी मैं सह नहीं सकता, इसलिए मैं उसको खत्म कर, सौदों को मोरो, मेरा भाई का बेटा लोत उधर ही रहता था, कहाँ रहता, सौदों को मोरे में, वो तो उधर का अभी मतलब क्या बोलता है, मतलब नहर बालक है, क्या बोलते हैं, नहर, हाँ न्यायी है, मतलब आप खत्म करेगा तो फिर उसका क्या होगा, उसका दिल में तड़प आया। अब वो तब जाकर के प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप कितना कृपालु है, दयालु है, मुझे मालूम है ना दोस्त है, इसलिए अगर वो नगर में 50 धर्मी रहेगा तो वो पापियों के साथ धर्मियों को भी तो अपना श्रेय करेगा, क्योंकि आप धर्मी है ना, धर्मी है ना है। अभी अब्राहम ने कैलकुलेशन किया तो कम से कम 50 होगा करके सोचा भी जा रहा, भी जा रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन नहीं था। तो क्योंकि प्रभु सीधा बोलते, क्योंकि प्रभु एक बात बोला तो नाश होना ही है, वो नाश होने के लिए बोला, और अब्राहम क्या पूछने वाला है वो भी मालूम, प्रभु को आदि में अंत मालूम है। प्रभु 50 में, अब्राहम 50 में शुरू किया है, प्रभु 50 धर्मी रहेगा तो नाश करेगा, प्रभु ने तुरंत बोला, क्या बोला, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर हो, क्या सारी पृथ्वी का न्याय
पृथ्वी का न्याय न्याय न करे। यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी सिटाई की तुझसे बातें करूँ, कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए। अगर 50 में प्रभु प्लीज 5 कम में तो तू उसका नाश कर, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश न करूंगा। ठीक है अब्राहम, अब्राहम आपके प्रति अगर 45 मिल गया तो मैं नाश नहीं करूंगा। चलो मैं 5 कम कर लेता, कम से कम 50 चाहिए था, लेकिन तूने बोला ना तेरा इच्छा है, चलो कम कर देता, 5 कम कर दी। फिर उसने उससे यह भी कहा कदाचित वह 40 मिले। हाँ, इसका मतलब प्रभु ने ऐसे बोला तो अब्राहम मालूम हो गया उधर 45 नहीं है। तो फिर अब्राहम बोला, थोड़ा और खींचा, बोला 5 और कम कर दिया, बोला 40 45 से और 5 है प्रभु 40। प्रभु ने क्या बोला? मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। हाँ देखो, 40 के कारण भी नहीं करेगा तो धड़का बढ़ गया, बाप रे 40 भी नहीं क्या? तो फिर बोला ये 5 क्या बोलूं, इसलिए 10 कम कर दिया। बोला प्रभु कदाचित वहाँ 30 मिले। 30 मिले? उसने कहा यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले। 30 मिलेगा तो भी चलो ठीक है, तुम अभी बोलते बोलते अभी ज्यादा कम किया, 5 बोल रहा था अभी 10 एकदम 10, तो बहुत मेरे को तकलीफ दे रहे है, ऐसे नहीं बोला। प्रभु बोलते ठीक है तेरे कारण अगर 30 भी मिल गया तो मानो मैं नाश नहीं करूंगा। तब अब्राहम का श्वास फूलने लगा, प्रभु ऐसे नहीं, प्रभु प्रभु 20 है डायरेक्ट और 10 कम कर दिया है प्रभु 20। प्रभु ने उसका तड़प देखा, बोला नहीं अब्राहम तेरा हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, इसलिए 20 में भी नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने बोला प्रभु मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है, एक बार आखिर में मैं बोलता हूं आखिरी में प्रभु 10। आपको समझ में आया प्रार्थना करना कैसा है? आप तो ऐसे मजाक में सुनता है, ऐसा क्या है? मजाक की बात नहीं प्रियो, एक बड़ा लड़ाई है प्रार्थना, एक लड़ाई है। प्रभु प्लीज प्लीज प्रभु, और 10 है तो भी प्रभु ने वचन दिया नाश नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? देश भी नहीं करके मालूम हो गया, मालूम हो गया अब्राहम जाकर कूपना देगा वापस प्रेयर में, प्रभु चला गया। प्रियो आपको मालूम है सोदोम गोमोरा को नाश करने के टाइम पर अब्राहम को याद किया, प्रभु ने अब्राहम को याद किया, प्रभु ने सोदोम गोमोरा को नाश नहीं होने दिया। कितना अनोखी बात है प्रियो, प्रार्थना करने वालों को प्रभु याद करता है, इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूं आपका प्रार्थना कभी बिंद ना करे। प्रार्थना करने वालों को सम्मान करने वाला प्रभु है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऐसे ऐसे शब्दों में पढ़ने के टाइम पर कितने समय आपके आंख में आंसू आया, आया क्या? अब ये आंसू लाना पड़ेगा ना, लीटर के हिसाब से लेकर आना पड़ेगा। आप देखो प्रियो मैं एक बहुत बड़ा बात भी आपको बताता हूँ, है ना? अभी आप देखिए अब्राहम ने ऐसा बात किया लेकिन प्रभु ने वहां पर, हम देखते हैं कि वहां पर कुछ भी बात नहीं हुआ है, देखा? लेकिन हम लोग देखते हैं अब्राहम की प्रार्थना के कारण प्रभु ने उस देश को नाश करने के टाइम पर मानव सौदों को मर को मतलब लोत को और परिवार को बचा लिया। देखा कितना अच्छी बात है, उनके लिए वो विनती किया था, अपना दास का तड़प प्रभु ने देखा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ आज, मतलब प्रभु प्रार्थना करने वालों को कैसा सम्मान करता है आपको मालूम? ईयूब एक शब्द बोलता है, मैं वो बात को मतलब ढूंढ रहा था। ईयूब एक बात बोलता है 33 अध्याय है उसका 23-24 वचन, ईयूब कोई पिछवाई स्वर्ग में मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वो उस पर अनुग्रह करके करता है, उसे गढ़ने में
मुझे चुनौती का दाम मिल गया है। इतने को समझा? सुना सुना आप लोग सुना? प्रियों एक ही बार में आप लोगों नहीं समझा होगा। प्रभु बोलता है उस नगर के लिए मुझे एक दाम मिल गया, क्योंकि एक आदमी प्रार्थना के लिए है, एक आदमी प्रार्थना कर रहा है। देखा लाखों करोड़ों देता है परंतु मतलब नाश करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रभु देखता है कम से कम एक आदमी मिले, एक आदमी मिले। ओ क्या अद्भुत बात है प्रियो, एक आदमी भी मिल गया तो प्रभु बोलता है मुझे छुटकारे का दाम मिल गया, मुझे उनको छुड़ाने के लिए अभी मुश्किल नहीं, क्योंकि एक मिल गया। प्रियो एक हम लोग होना चाहिए आज इस पीढ़ी में, वो एक मैं होना चाहिए करके कितने लोग चाहता है। प्रियो वो व्यक्ति को सम्मान करेगा, प्रियो वो व्यक्ति को, ये देखो यही तो प्रार्थना का महत्व है। मैं आपको बोलता हूँ ना, प्रार्थना जीवन का तुल्य और कोई जीवन ही नहीं है। आज बहुत लोगों का जीवन में प्रार्थना नहीं, इसलिए वो लोगों में आत्मीय में कोई सामर्थ्य नहीं, एक गवाही तक नहीं देने के लिए उठ नहीं पाता, बैठे बैठे दिल में सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? बहुत दुखदायक अवस्था में आज आत्मीय दुनिया पहुंच गया। मैं आपको बोला ना, मतलब पहले पहले इंग्लैंड से सारे दुनिया में मिशनरी लोग जाते थे, पर जो आजकल इंग्लैंड का बड़े बड़े चर्च है, अभी कपड़े का दुकान है, शराब का दुकान है, वहां पर होटल बन गया। देखो बड़े बड़े चर्चेस अभी क्या हो गया, लोग खरीद करके होटल बनाया, शराब का दुकान बनाया, कपड़े का दुकान बनाया, क्योंकि आराधने के लिए लोग नहीं, इसलिए सब सेल कर दिया। देखो विश्वास त्याग हो रहा है कि नहीं, कितना भयंकर रीति में प्रियो, कितना भयंकर रीति में ये बात हो रहा है। क्या बात है प्रियो, आप देखिए यहां पर दो दो तीन तीन हजार लोग इकट्ठा होते थे, अभी 20-25 लोग, मुश्किल से बूढ़ा लोग आता है, जवानों को टाइम ही नहीं है, है? कहां पर पहुंच गया प्रियो दुनिया। और एक कोरोना भी आ गया तो फिर कुछ के बाद पूछो ही मत, कितनी मंडलियां क्लोज है, अभी तक दरवाजा खुला ही नहीं। आपको मालूम है दुनिया में क्या हो गया, क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा एक संभव है प्रियो, ये प्रभु का आगमन का एकदम सख्त सिग्नल है। मैं आपको बोलता हूं आज भी प्रभु आ सकता है, है? हमारे जीवन में प्रभु के प्रति कितना हमें उत्साही बनना चाहिए, एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए प्रियो। प्रार्थना जीवन का महत्व में एक बात आपको बताऊं, जेरेमिया ने भी मैं इसे लिखा है, जेरेमिया 5 अध्याय के 12 वचन। ओ यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौके में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके, अगर ऐसा मिल सके, एक भी व्यक्ति मिल गया तो, जो न्याय से काम करे, सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूं। हो देखा, आज एक सच्चाई में चलने वाला, न्याय से चलने वाला, या धर्म की काम करने वाला, प्रभु के भय मानने वाला है ही नहीं, हो गया ना प्रियो, विश्वासियों के लोग है ही नहीं, सब कपट भक्त है, भक्ति का वेश धारण किया, उसका शक्ति को त्याग दिया, अंदर सब एक चिन्ह है प्रियो, है? प्रभु देखा, प्रभु को देखने के बाद में यशायाह में ऐसे लिखा है, वो शब्द 59 अध्याय का उसका 16 वचन का शुरुआत में ही लिखा है, कोई भी नहीं प्रभु को आश्चर्य हुआ, इससे अचंभा किया, प्रभु अचंभा किया, देखा प्रभु को अचंभा लेगा, क्या नहीं, एक भी भक्त नहीं, एक भी प्रार्थना करने वाला नहीं। आप देखो प्रियो, है इतना प्रोत्साहन करने के बाद में भी प्रार्थना जीवन आज हमारा काम पर जाकर रुका है, थोड़ा परखो, कई लोग तक्का परेड में है, तक्का मारेगा थोड़ा सा चलेगा, तक्का नहीं मारेगा तो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो, है? हम लोग कितना उत्साही होकर के प्रभु की आत्मा में भर करके हमें काम करना चाहिए। तो अभी जब हमने जो पढ़ा हुआ, तो जो पहले जो पढ़ा हुआ जो भाग है, उसमें उस लूका के 11 अध्याय का 13 वचन में पाम्बर प्रभु बोलता है, अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मतलब पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, ऐसे नहीं, पवित्र आत्मा को कितना अधिक क्यों नहीं देगा, ऐसा ना चाहिए, क्या ना चाहिए,
पवित्र आत्मा आपको अधिक से अधिक मिलना चाहिए, ऐसा वो परिभाषा है मराठी में। तो कितनी विशेष करूं पवित्र आत्मा से? विशेष कर मानो जितना ज्यादा मिलेगा, तुम मांगने वालों को क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और जो पवित्र आत्मा ज्यादा मिलेगा ऐसा है क्या, उसको समझने के लिए अभी हमने जो दूसरा भाग में इसलिए पढ़ाया था मत्ती उसका 7 अध्याय है, उसका 11 वचन पढ़ रहा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा क्या देना चाहते हैं जानते हैं? अच्छी वस्तुएं, ऐसा है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? वो है बात, प्रभु हमें अच्छा वस्तु देगा, भरेगा तो अच्छा दान देगा। प्रभु ने हमें दिया वो अच्छा दान क्या है? पवित्र आत्मा। प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमको दान मिला और आत्मा के द्वारा सारे दान दिया। अरे हमें आत्मा दान दिया, इसके बाद में आत्मा के द्वारा सारे दान दिया, स्वर्ग का सारे दान उसके अंदर रख करके पैकेज दिया। बहुत बार लोग क्या सोचता है, हम मांगते रहेगा तो ये जो पानी उड़ने लगता है और भी पानी की रायत पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उड़ने लगा, ऐसा है क्या? पानी नहीं है ना, वो व्यक्ति है भाई, वो एक व्यक्ति है, उसका समझने में लोगों को हमारा दिक्कत आया है। तो हमारे जीवन में ये बात बड़ी बात है भाई, है ना। हम लोग जीवन आत्मा में भरना, आत्मा में भरने का अर्थ क्या है भाई? तो आप आत्मा में भरने का अर्थ ढक्कन खोल करके प्रभु भर देगा, ऐसे कुछ है क्या? नहीं है प्रियो, अपने जीवन को पूर्ण समर्पण करना तो भर जाएगा। आप पूर्ण रूप में आत्मा का अधीन हो जाना, ये सच्चाई ना जान के कहा लोग क्या क्या व्याख्या करते हैं, भजन को उल्टा उल्टा करके अपना समझ के सहारे लेकर के वो भजन को घुमा करके लोगों को बसाता है, तुम भरा नहीं, तुम बैठो उपवास में बैठो, सिर हिलाएगा भरेगा भी, बोलो बोलो। क्या बोलो बोलो, देखा होगा ना आपने ड्रामा, ये सब झूठा लोगों का धोखा देने वाला मार्ग है। तो इसलिए अपने जीवन में प्रभु का वचन को सही रीति में जानना पड़ेगा, है ना। आज झूठे प्रचारकों का बहुत ताली मारता है, सच्चाई बोलेगा तो एक प्रेस रोड भी नहीं आता। चाहिए नहीं है ना, किसको चाहिए? प्रभु को बोलो ना, कोई बोलने वाला व्यक्ति के लिए थोड़ी है, सारे स्तुति आदर महिमा का योगी एक ही है, प्रजारक नहीं प्रभु है। तो प्रभु को सब मिलना चाहिए, इसलिए हमें कोई कपड़े नहीं, लोग तो ऐसे बोलवाता बोलो 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 इधर मत बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर बोलता है कि पवित्र आत्मा, अभी आज लोग क्या बोलता है, भलाई बोलेगा तो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें नया घर मिलेगा, नया गाड़ी मिलेगा, तुम्हारा बच्चा लोग डॉक्टर बन जाएगा, विदेश यात्रा मिलेगा, भलाई मिलेगा, बोला ना भलाई मिलेगा। ये भलाई है, देखा प्रियो, अभी बेचारा नया विश्वासी एक तो उसमें कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारे गरीबी हट जाएगा, बड़ा बंगला मिलेगा, बंगला फिर महल हो जाएगा, गाड़ी मिलेगा, वो सादा गाड़ी छोड़कर बड़ा बड़ी गाड़ी मिलेगा, हवा में भी उड़ने वाला। क्या क्या स्वप्न रहता है भैया, देखा ना, एक झूठा भविष्यवक्ता आकर के मानो एक बार भविष्यवाणी किया, आप मानो दिसंबर 1 तारीख को फ्लाइट में बैठेगा, दूसरा तारीख को न्यूयॉर्क से मानो लंदन जाएगा, तीसरा तारीख को लंदन से मानो वापस से न्यूयॉर्क जाएगा, बोलते 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 नीचे रहने के लिए टाइम नहीं, हमेशा ऊंचे, बाप रे सेवा कहां करेगा, उड़ते उड़ते ऐसा उड़ाने वाले सेवक लोग आएगा, क्योंकि प्रभु ने बोला ना भलाई करेगा। क्या बताओ प्रियो, ऐसे बातें सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पवित्र जीवन के बारे में मत बोलना, अलगवाई के बारे में नहीं बोलना। देखो कितना बड़ा धोखा का दुनिया है भाई, मानो बोलने का मानो क्या है, सत्य वजन की प्रतिति करने के लोग तैयार नहीं, अपने आप को इनकार करके सूरी लेकर के चलो, वो बात ये मंडली में नहीं बोलना।
वो सब पुराना बात है, वो सब खत्म। अभी आशीष की बात बताना है तो बताओ। तो प्रियो यहां पर एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु ने हमें आत्मा का दान दिया, उसमें सब कुछ है। अभी आपको मालूम है जिसको आत्मा का दान मिला उसमें आत्मा फल है कि नहीं? क्या क्या फल है? वो फल में आप तृप्त है क्या? है ना, गलातियों का पत्र 5 अध्याय उसका 22-23 वचन। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था। आप बताओ प्रियो, अभी इससे बड़ा आशीष क्या चाहिए? हैं? प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। आज मतलब लोग आनंद के लिए, शांति के लिए कितना गलत मार्ग अपनाता है, और जो प्रभु ने हमें दिया हुआ दान के द्वारा भंडार दिया, कभी आनंद का कमी होता है क्या? नहीं है ना। शांति का कमी पड़ता है क्या? नहीं है ना। पूरा भंडार दुनिया में रहकर और क्या चाहिए भाई? आप देखो अभी चार पाई में सोते रहते से ये वजन उधर आकर कोई देगा नहीं। संगति में आने के लिए थोड़ा सा थकेली उड़ाने से कितना लाभ है, भैया हमारे दिल को कितना भरता है। अभी आप देखो, अभी प्रभु ने बोला, प्रभु से जो भी जो मांगता है प्रभु कैसे देता है मालूम है? अभी हमारे प्रार्थना का रीति एकदम थकना नहीं प्रियो, एकदम थकना नहीं। अभी हमारे का विषय क्या है मतलब, उसने कितना रोटी मांगा था, वो लुका 11 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। तीन रोटी। अभी आप देखो, तुमको मालूम है मैं सो गया बच्चों के साथ, जाओ अभी नहीं दे सकता, इतना बोल के सुना तो भाग गया। मांगा था ना, उसने दिया नहीं, पिछले मित्र को दिया नहीं, ऐसा ही क्या? नहीं है ना प्रियो। आपको ये जानना चाहिए, आप मांगा है तो आपको मिला है क्या? आपको क्यों नहीं मिला? आप मिलते तक नहीं मांगा। देखा प्रभु वो प्रार्थना का महत्व समझा रहा है। अभी उसका 8 वचन पढ़ना। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर न दे तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उत्तर देगा। देखा। मांगना कैसे? मांगना लज्जा छोड़ कर मांगना। प्रियो बोलेगा तो कोई ऐसा कुछ भी बात सुन करके नहीं जाना, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरे मित्र है और उसके पास रोटी है और उसको मांगने से मुझे मिलेगा। देखा आप यीशु मसीह आज हमारा कौन है? बड़ा भाई भी है, मित्र भी है। मित्र है ना, तो मेरा मित्र के पास क्या नहीं, मेरे यीशु मसीह के पास क्या नहीं, क्या नहीं मिलेगा प्रियो? मिलेगा। हाँ, यीशु मसीह सोया करके नहीं बोलेगा, लेकिन कभी कभी कुछ बात में देर करता है, लेकिन छोड़ रहे नहीं, मांगते रहना। अभी देखो इसने 3 मांगा था, अभी वो मित्र बोलता है टोकरी लेकर के आया, उसमें 300 हुए, इतना भी चाहिए टोकरी चाहिए तो ले जाओ। देखा वो है देने वाला का दिल, हमारे यीशु मसीह कैसे देता है प्रियो, है ना। जब एफेसियों 3:20 में लिखा है मांगने से बढ़कर देने वाला, क्या बोलता है? मांगने से बढ़कर देने वाला। देखो हमारा प्रभु को मांग कर देखो प्रभु में कैसे देता है प्रियो, है दुनियादारी की बात नहीं, आप गलत तो नहीं मानव रीति में जाना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आपको सबको मैंने कई बार बोला ना, अलेक्जेंडर राजा के पास वो बेचारा गरीब के साथ, उनका 3 बेटी है, बेटा का बेटी का शादी होने का समय पार हो गया, अभी मैं कैसे शादी करूं, पैसा नहीं है ना, बेचारा किसान है, रोज पेट भर के खाने के लिए प्रबंध नहीं हो सकता, फिर वो बेटी की शादी कैसे करेगा। तो आखिर में मानो उन्होंने बोला चलो राजा को जा करके थोड़ा अपना अवस्था बताता है ना। वो अभी राजा को मिलने के लिए जाता है तो ऐसा एक नियम था, कुछ ना कुछ राजा को भेंट लेकर के जाना चाहिए, राजा के पास जो भी जाएगा भेंट लेकर जाना चाहिए। अब ये किसान के पास कुछ भी नहीं तो भी उनके घर में मतलब एक कद्दू का झाड़ था, उसमें इतना बड़ा कद्दू आया था उस साल में, बहुत बड़ा, प्रभु सब प्रबंध करता है ना। हाँ, तो अभी
मानो वो बिचारा उन्होंने बोला अभी क्या है, अभी राजा को कद्दू देना अच्छा नहीं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो उसने क्या कर दिया, उसने वो कद्दू को एक बोरी में डाल करके सिर पर रख करके राजा को मिलने के लिए गया। उधर जाकर के राजा के सामने वो अपना ये कद्दू निकाल करके रख दिया। बहुत वजनदार कद्दू था, बड़ा कद्दू था। अभी राजा ने को बोले, राजा मैं आपसे एक विनती करने के लिए आया, मेरा तीन बेटी है, पहला दूसरा तीसरा का तीनों का शादी होने का टाइम बार हो गया, लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आपसे मदद मांगने के लिए आया। इतना ही बात है, मेरा देश में ऐसे गरीब लोग है। राजा को भी मालूम है, राजा ने सेवक को बुलाया, इसको अपना वो अपना जो सोने का भंडार है ना उधर ले जाओ, ये जो बोरी लाया वो बोरी से कद्दू निकाल कर रखो अपने लिए, और वो बोरी में भर करके सोना दे दो। क्या बोला, सोना बोरी भर करके। वाह वाह वाह, ये उधर देख रख गया कोइन, कोई मन सोने का कोइन डाला हुआ बड़ा कमरा, उधर जाकर के सोने का बेलचा लेकर के वो बेलचा में एक बेलचा ला करके बोरी में डाला। किसान बोलते बस 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 करो, ये तो तीनों को क्या मैं पूरा गांव का बच्चों का शादी कर दूं। है वो सिपाही बोलता है, बाबू खोल कर पकड़, क्योंकि राजा का आज्ञा एक बेलचा देने के लिए नहीं, बोरी भर करके, बोरी भर करके। वाह वाह वाह, आप सोचो है? जब राजा अलेक्सेंडर क्या बोलता मालूम है, राजा बोलता है कि ये व्यक्ति जाने के टाइम पर लोग पूछेगा तो कहां गया था, मैं अलेक्सेंडर राजा को मिलने के लिए, फिर किस लिए गया था, मेरे शादी का बच्चे का शादी नहीं हुआ, उसको थोड़ा मदद मांगने के लिए गया था, कुछ दिया क्या? हाँ दिया क्या, अरे देखो ना बोरी भर का सोना है। अलेक्सेंडर राजा बोलता है, मेरे पास आकर के कोई ऐसा विनती करेगा तो मैं मेरा उस पदवी के अनुसार उसकी योग्य निधि में मैं उसका सम्मान करूंगा। आप बताओ प्रियो, अगर अलेक्सेंडर राजा उसको मांगने वालों को इस निधि में कर सकता है तो प्रियो ये अलेक्सेंडर राजा से हम नहीं, राजा होंगे राजा प्रभु होंगे प्रभु, जिसका सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, उससे हम विनती करता है, वो हमारा पिता है, तो भी मांगना पड़ता है कुछ बातों में। प्रभु नहीं देगा, देगा ना प्रियो, देगा है ना। दुनिया में सब लोग प्रभु का बेटा नहीं, पर तो हम प्रभु का बेटा है, जो नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया। बाकी लोगों के बारे में यीशु मसीह ने खुद बोला, तुम शैतान का बेटा है, उसको गर्व करने के लिए बहुत कुछ था। अब्राहम का बेटा को भी बोला, तुम शैतान का बेटा है, बोला है कि नहीं? यवना 8:44 में लिखा है, जाकर देखना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, तो वो पिता हमें क्या नहीं देगा प्रियो, है ना। प्रभु का वचन में पौलुस से बोलने के टाइम पर बोलने वाले के शब्द फिलिप्पियों 4:19 वचन में है, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित देखा, तुम्हारा हर एक गति पूरा करेगा। प्रियो आप कभी दुखी निराश नहीं होना, कोई भी बात में दुखी निराश नहीं होना, हमारा प्रभु अपनी मांगने वालों को क्या नहीं देगा प्रियो, है ना। इसका मतलब क्या है कि मांगते ही रहना, क्या करना, मांगते ही रहना। ये मांगते रहने वाला बातों पर एक बात में आपको बताओ, याकूब एक अच्छा दृष्टांत है, जल्दी एक दो बात बोल करके, बोलने के लिए तो बहुत है लेकिन एक दो बात बोल करके मैं अभी समाप्त करूंगा। मतलब याकूब की उल्पत्ति किताब उसका 22:26 उल्पत्ति 32 का 32 का 26 सॉरी उल्पत्ति किताब 32 अध्याय 32। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। देखा, बोले कि मतलब मुझे आशीष देते बिना मैं जाने नहीं दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो ऐसा प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना एक लड़ाई है, प्रार्थना की लड़ाई में हमें जब तक आशीष नहीं मिलता तब तक प्रभु को छोड़ने के नहीं। क्या बोलते हैं, ऐसा प्रार्थना कभी किया? ऐसा प्रार्थना करना भी, ऐसा प्रार्थना करना है। मुझे बीते हुए दिनों में ऐसा कई बातों को मुझे याद आता है, मैं ऐसा मानो एक बात के लिए मैं ऐसा पकड़ करके प्रार्थना किया था,
बहुत जरूरत पड़ गया, ऐसा अवस्था आया। मालूम है किसी ने? मालूम है अपना भाई फोल्डर के लिए। एक दिन में ऐसा परेशान हो गया, मैं बहुत मतलब थक गया था, एक्चुअली थक गया था मैं। उस दिन बहुत प्रकार का निंदा उड़ाना पड़ा, बहुत बातें आया, बहुत लोगों को बात नहीं मालूम। पर उस दिन मैंने जा करके प्रभु को उसमें घुटना टेका। मैंने बोला, प्रभु आज मेरा भाई का मुझे छुटकारा चाहिए, नहीं तो आप उसको बुला लो, मुझको भी बुलाओ, लेकिन मुझे छुटकारा चाहिए। मैं आपको बोलता हूं, एक बड़ा लड़ाई था घुटने में। मैं बोला मेरे तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिलेगा, मैं घुटने से उठेगा नहीं, मैं इधर ही घुटने में रह करके आपके पास आऊंगा। ऐसे एक बड़ा लड़ाई मेरे जीवन में हुआ और प्रभु ने तुरंत मेरे को उत्तर दिया। मैं आपको बताता हूं, प्रभु ने बोला मैंने उसको चंगा किया और उसको आज से खाना खा सकता है। मैं आपको बोलता हूं, मेरे भाई तूप तक निगाल नहीं सकता था, तूप तक निगाल नहीं सकता था, ऐसी अवस्था आया वो उसका मतलब ब्रेन तक ठीक काम नहीं करता। तो मतलब गला काटने के लिए सुषमा सिस्टर को गला काटने के लिए, क्योंकि होश में नहीं, ऐसी अवस्था आया, बहुत बात आया। मैं आपको प्रभु का महिमा के लिए मैं बोल लेता हूं, उस दिन मैं उधर से ऐसा सीढ़ी निकला मुझे मालूम नहीं। मैं आते सिस्टर को बोला, सिस्टर कहीं बनाओ और प्रार्थना किया। मैं बोला प्रभु ओ पियो, प्रभु ने चंगा किया और उसी दिन मतलब फोटोग्राफर को निकाल करके फोटो खींचा, एक सटी बन के खींचा। मेरे काम एक कॉपी आपके पास है, मेरे पास भी एक कॉपी रहेगा। मैं आपको बताओ, हड्डी हड्डी खून नहीं था और उस दिन से पूरा हथौड़ा चेंज किया, हथौड़ा चेंज किया। मतलब डॉक्टर कौन? डॉक्टर नहीं नहीं, वो अपना प्रमोद शिंदे बहुत स्पेशलिस्ट है इसका। वो बोला था मैं आपके लिए ये ऑपरेशन कर देता हूं, लेकिन गारंटी मैक्सिमम 3 साल, अगर ऑपरेशन नहीं किया ये 3 दिन भी नहीं जिएगा, ऐसे बोला था। कितना साल हो गया अभी? 12 साल हो गया अभी, देखो कितना। हालेलुया, प्रार्थना सुनता है कि नहीं? मांगने से बढ़कर दिया है कि नहीं? देता है, देता है। देखो एक कोई झूठा झूठा कहानी नहीं, अभी तक उसका फोटो मतलब रिकॉर्ड किया वो बात है, उनका हथौड़े का पूरा सूख गया था। अब देखो पानी नहीं पी सकता, थूक तक भी जाएगा तो थोड़ी देर में वो गया हुआ थूक उल्टी करेगा, करेगा तो 1 किलोमीटर नस्ती कोई नहीं आ सकता, इतना वास आता, इतना भयंकर अवस्था था। देखो जिंदा गवाई, देखो ये कोई हाथ लगा माना धक्का मारा गिराया और चंगा हो गया, ऐसा नहीं, प्रार्थना का उत्तर। आज भी हमारा प्रभु जिंदा है, अपन प्रयोग प्रार्थना में विश्वास करता है, चंगाई में विश्वास करता है। लोग कितना हमारे बारे में झूठ बोलते हैं, सब कच्चा झूठ है प्रियो। अरे हम कितना रोज चंगाई पाता है, इधर बैठा हुआ कितने लोग है चंगाई, वचन सुनकर चंगाई पाने वाले कितने। आपके लिए कोई सिर पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ता प्रियो, प्रभु आप प्रभु का वचन आते ही विश्वास करने वाले को तुरंत चंगाई मिलता है। तो अपन सच्चाई बोलना प्रियो, भीड़ जमा करने के लिए लोगों को बहकाने के लिए झूठा सेवकाई करके सजा पाएगा। हमारे बारे में बहुत लोग बोलता है, वो लोग है ना पवित्र आत्मा में भी विश्वास नहीं करता। देखो आत्मा में चलने वाले लोगों को बोलता है झूठा, मतलब झूठा जो अशुद्ध आत्मा में चलने वाला सच्चा लोगों को झूठ बोल करके लोगों को भड़काता है, इसलिए उधर नहीं आना। देखो कितना झूठ बात है प्रियो, कितना झूठ बात है। सच्चाई क्या है प्रियो? ये वजन क्या सिखाता है वो सीखो प्रियो, सत्य वजन को थामे रहो। अरे प्रभु की आत्मा में ही नया जन्म होता है, आत्मा के बारे में क्या आपको बताओ है? लोगों ने प्रभु का आत्मा में नया जन्म ही नहीं पाया, झूठे लोग नया जन्म नहीं पाया, डुबकी लेकर के अशुद्ध आत्मा लेकर के वो दुनिया की बातों में लोगों को बहकाते हुए सच्चाई लोगों को मतलब ऐसा काला पर फेंकता है, कितना भयंकर बात है। और उधर जो भी होता है सब झूठ बात, कोई चंगाई नहीं होता, कोई नहीं है, कोई भी गिरा करके या कोई टॉवल दे करके, ये सब बात कितना झूठी बात है प्रियो। आज बाइबल के अनुसार वो बात नहीं है प्रियो, है ना? मैं ये इसलिए क्या है ना, अपन जो सच्चाई में चलने वाले लोग है ना, आज भी प्रार्थना करता है प्रभु, आज भी छुटकारा देता है, हम आत्मा में भरकर जीवन बिताता है प्रियो,
है आत्मा में बदते बिना आत्मिक जीवन बिता ही नहीं सकता। इसलिए वो सच्चाई को हमें ठीक से जानना पड़े, ठीक से जानना। और कुछ बात है लेकिन समय ज्यादा हो गया, मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रियो बहुत बड़ी बात है, अभी मैं सेकंड सेक्शन में आपको बोल देंगे। और मतलब अभी भी मैंने तेज बोला, बहुत फास्ट बोला, लेकिन आप लोगों ने सुना वो वजन को घर में भी जाकर के बार बार याद करना, ध्यान करना। तो आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।